बॉल का वेट कैसे करना है, लास्ट टाइम तक कैसे बॉल को देखना है, कौन से बॉल को फ्रंट फुट पर खेलना है, कौन से बॉल को बैक फुट पर खेलना है। ये यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है उसको आप समझिए, जब हेड एंड शोल्डर बॉल के ऊपर आएगा तो ये जो आपका पिछला जो कंधा है ये पीछे की तरफ रहेगा, ये आगे नहीं होना चाहिए इस तरह से खेलना है। बच्चों को यही चीज सिखानी है कि पहले सबसे पहले अपनी बॉडी का पोस्चर सही करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि इस उम्र के जो बच्चे होते हैं, जिस तरह ये मेरे स्टूडेंट हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, मोहम्मद हमाद, तो इनके साथ आज हम इनकी बैटिंग पर काम कर रहे हैं। तो आप साथ में हम आपको भी बताएंगे किस तरह से इस तरह के जो अंडर 13, अंडर 12, अंडर 15 के जो बच्चे होते हैं, इस एज के बच्चों को किस तरह से आपने ट्रेंड करना है। तो आज हम काम करेंगे इनकी लाइन और लेंथ किस तरह से ये आसानी से जज कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह से बॉलर के हाथ को बाज करना है। उसके लिए हम एक सेटअप लगाएंगे, सेटअप भी आपको दिखाते हैं। उससे पहले हम इनका स्टांस देखते हैं कि इनका स्टांस किस तरह से है। तो ये स्टांस है इनका, आप देख सकते हैं इनके स्टांस पे मैं ऑलरेडी वर्क कर चुका हूँ। स्टांस इनका बिल्कुल ऑलमोस्ट एक लाइन में है, स्टांस एक सीधी लाइन में होना चाहिए। हेड, हिप्स और आपके दोनों जो टांगे हैं इनके दरमियान में हेड होना चाहिए और आपका वेट दोनों टांगों के ऊपर बराबर होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप एक बैलेंस स्ट्रोक खेलने में आप इजीली कामयाब हो सकें। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लाइन और लेंथ को कैसे जज करना है। अच्छा, तो हमने यहाँ पर एक सेटअप लगाया है बॉल की लाइन और लेंथ को, ताकि हम आसानी से जज कर सकें। उसके लिए हमने मार्कर कॉन्स को यूज किया है, आपको हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, ये मार्कर कौन हमने लगा दिए, ठीक है, ओके। अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हमने लाइन और लेंथ को जज करना है। अब जो बॉल हमारे बैट्समैन को इस जो ग्रीन कॉन है, ग्रीन कॉन से आगे जब बॉल गिरेगा उसको हम ड्राइव के लिए जाएंगे, फ्रंट फुट पर जाकर ड्राइव करेंगे, ठीक है, और ग्रीन कॉन से जो बॉल पीछे गिरेगा, ठीक है, ये जो येलो कॉन है इनके दरमियान में जो बॉल गिरेगा उस पर हम डिफेंस करेंगे, फ्रंट फुट पर जाकर डिफेंस करेंगे, ओके गाइस। और इसके पीछे जितनी भी कॉर्न्स हैं इनके दरमियान में जो बॉल गिरेगी उसको हम बैक फुट पर डिफेंस करेंगे, प्रॉपरली बैक फुट पर आकर एक बॉडी का सही पोस्चर रखते हुए मेक श्योर करना है। तो आइए अब हम अपनी बैटिंग स्टार्ट करते हैं। ये बहुत टैलेंटेड बैट्समैन है, आप इनकी बैटिंग देखिए बस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये बहुत लीन होकर खेल रहे हैं, हर बॉल को अपनी बॉडी के अंदर लेकर, ठीक है, इसी तरह से खेलना है। बच्चों को यही चीज सिखानी है कि पहले सबसे पहले अपनी बॉडी का पोस्चर सही करें, बेसिक पर काम करना चाहिए पहले, सबसे पहले स्टांस अच्छा होना चाहिए, बॉल का वेट कैसे करना है, लास्ट टाइम तक कैसे बॉल को देखना है, कौन से बॉल को फ्रंट फुट पर खेलना है, कौन से बॉल को बैक फुट पर खेलना है, ये सारी चीजें बेसिक्स में आती हैं। ये चीजें जब इंसान की क्लियर हो जाती हैं एक मरतबा इस उम्र में, ये जो उम्र है इस उम्र में जब ये चीजें क्लियर हो जाती हैं फिर वो सारी जिंदगी इंसान को नहीं भूलने वाली, ठीक है। तो जब भी बच्चों को कोचिंग करें, बच्चों की सबसे पहले ये चीजें ठीक करें, स्टांस सही कराएं, ठीक है, हेड पोजिशन उनकी ठीक होनी चाहिए, बॉल को जज कैसे करना है, बॉलर के हाथ को कैसे बाज करना है, लाइन और लेंथ कैसे जज करनी है, ये चीजें बहुत जरूरी है। ओके, तो गाइस लास्ट में हम एक ड्रिल करेंगे जो आपने हर
बिगनर को करानी है, हर छोटे बच्चे को आपने ये ड्रिल करानी है। ये ड्रिल है हमारे हेड एंड शोल्डर को ठीक करने के लिए, बैट्समैन की जो अलाइनमेंट होती है बॉल की लाइन में आना उसको ठीक करने के लिए, और स्पेशली फुटवर्क को इम्प्रूव करने के लिए। चलो जी स्टार्ट करो हमारा ये ड्रिल। हमने करनी है इस तरह से कॉर्न्स लगानी है और वन पे वन फ्रंट फुट लेना है और जाकर हेड एंड शोल्डर ओवर द बॉल बगैर बैट के, बैट हाथ में ही होना चाहिए। चले जी गुड, शोल्डर लेके जाओ हेड एंड शोल्डर, वेरी गुड, ओके स्टे देयर स्टे देयर स्टे देयर, पोस्ट स्ट्रेट, ये जी बैठा, ये वेरी गुड, शोल्डर लेके आना है, हेड एंड शोल्डर फर्स्ट, ओके आओ, वेरी गुड, शाबाश, गो बैक, ये ठीक है, ये यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है उसको आप समझिए, जब हेड एंड शोल्डर बॉल के ऊपर आएगा तो ये जो आपका पिछला जो कंधा है ये पीछे की तरफ रहेगा, ये आगे नहीं होना चाहिए इस तरह से, अगर ये इधर होगा तो हेड की जो पोजीशन है वो भी इधर चली जाएगी और हम ऑफ बैलेंस हो जाएंगे। इसको सीधा रखना है ताकि हमारी बॉडी की अलाइनमेंट सीधी रहे। ओके गो बैक, ओके गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो इस लेवल के बच्चे हैं किड्स, उनको बेसिक प्रैक्टिस करवाएं, उनकी बेसिक्स ठीक करें, उनका स्टांस अच्छा करवाएं, उनके फुटवर्क पर काम करें, उनको बताएं कि बॉल को देखना किस तरह से है, बॉलर के हाथ को कैसे वॉच करना है, कौन सी बॉल को फ्रंट फुट पर खेलना है, कौन सी को बैक फुट पर खेलना है, ये सारी चीज़ें इस स्टेज में बताने वाली होती है इन बच्चों को। जो ज़्यादा ऊपर के लेवल पर चले जाते हैं उनको फिर कॉन्फिडेंस दिया जाता है, उनके लिए ये चीज़ें नहीं होती, ये चीज़ें होती हैं बिगनर स्टेज पर जो बच्चे होते हैं। तो हम यहाँ पर आज की वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।